हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन ड्रीम्स। फ्रेंड्स, टुडे वी आर अनबॉक्सिंग दिस ब्यूटीफुल किट। इसके अंदर एक पैम्पलेट है, एक मिस्टिंग बॉटल है और ये माइक्रोग्रीन मिक्स है। इस मिक्स में क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दो राउंड कंटेनर्स हैं, जिन राउंड कंटेनर्स में हम अपने माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने वाले हैं। इनके अंदर आप देख सकते हैं दो सीड के पैकेट हैं, 6 ग्राम का हर एक पैकेट है और उसमें हमारे सीड्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करेंगे और कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स हमारे पास हैं। स्टार्ट करते हैं। 2 ग्लास लेंगे हम और हम यहाँ पर एक सनफ्लावर सीड है, एक रोज़ रेडिश सीड है, दोनों को अच्छे से भिगोएंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि हमने दोनों सीड्स को देख लेना है और फर्स्ट हम रोज़ रेडिश का ले रहे हैं। इसे हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से एक ग्लास पानी में भिगो देंगे। मैंने यहाँ पे 2 तरह के ग्लास लिए हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक स्टील। आप किसी भी तरह का ग्लास ले सकते हैं, आप उसमें अच्छे से सीड को डालें और इस तरह से हम उसमें फिर पानी पोर कर देंगे। और इसे हम कम से कम मिनिमम जो होता है, अगर हमारा ग्लास का जार है तो हम 6 to 8 hours रख सकते हैं और हमारा अगर इस तरह का स्टील का जार है तो हम 8 से 10 घंटे इसे रख सकते हैं, ताकि जो सीड्स हैं वो अच्छे से स्प्राउट कर लें। यहाँ पे हम ले रहे हैं दूसरे सीड्स को, यहाँ पे सनफ्लावर्स के सीड्स को हमें इस तरह से डाल लेना है और इसमें भी हम पानी पोर कर देंगे और दोनों को फिर हम अच्छे से मिक्स करते हुए कवर करके रख देंगे। अब आफ्टर 6 to 8 hours हम देखेंगे कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अब 8 घंटे हो चुके हैं, आप देखेंगे कि अब मैं इस पानी को कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर लूँगी और अपने सीड्स को इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगी। इन सीड्स को हमें अच्छे से निकालने के बाद क्या करना है, देखिए जब भी हम इस तरह का काम करते हैं हमें ध्यान रखना है कि एक एक सीड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जर्मिनेशन के लिए। तो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ अवर सीड्स। तो इन दिस बाउल आई एम गोइंग टू ऐड सम माइक्रोमिक्स। इसमें हम कुछ माइक्रोमिक्स ऐड करेंगे और उस माइक्रोमिक्स में हम अपने सीड्स को अच्छे से इवेनली स्प्रेड करेंगे, हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारा वाटर, I will use this water in my plants. गार्डन में यूज़ करूँगी, क्योंकि किसी भी तरह के जो हमारे सीड्स होते हैं उनका पानी भी हमारे प्लांट में किसी न किसी रूप में एज ए न्यूट्रिशन काम करता है। यहाँ पर जो माइक्रोमिक्स का हमारा मिक्सचर है, वहाँ पर 60% कोकोपीट में और 40% वर्मी कंपोस्ट है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फिल द कंटेनर विद 1 thick layer ऑफ दिस माइक्रोग्रीन मिक्स एंड वी हैव टू लेवल इट प्रॉपरली। और एक और चीज़ है, इस जो बाउल में है हमें होल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो बेसिकली होल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेनर। सो वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू ब्रॉडकास्ट द सीड्स यूनिफॉर्मली ऑन द बेस लेयर। इट मीन्स हमें अच्छे से अपने सीड्स को इवेनली स्प्रेड कर लेना है। एक जगह आपको बहुत सारे सीड्स नहीं रखने हैं, उससे क्या होगा कि फिर आप जब माइक्रोग्रीन्स आपके ग्रो होंगे तो एक साइड में बहुत सारा हो जाएगा और एक साइड में बिल्कुल खाली खाली सी स्पेस बच जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू कवर द सीड्स विद द टॉप लेयर ऑफ माइक्रोग्रीन मिक्स। इसे हम फिर हल्की सी लेयर से, एक थिन लेयर से अच्छे से इसे कवर कर देंगे। अब हम दूसरा लेते हैं सीड जो हमारा सनफ्लावर का है, उसमें भी हमें इसी तरह करना है, लेकिन जब हम मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर को हम अच्छे से इवेनली स्प्रेड कर देंगे और इवेनली स्प्रेड करने के बाद जब हम इसमें ये ऐड करेंगे अपने सीड्स को, तो हमें ध्यान रखना है कि इस में सीड में हमें थिक लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर की सीड्स में टॉप लेयर जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो एज इट इज़ अच्छे से काम कर जाती है। तो हमें इस तरह से इवेनली इसे भी स्प्रेड कर देना है और इसे इवेनली स्प्रेड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों बाउल को है ना कवर कर देंगे। यहाँ पर अब हम जो इसका कवर दिया हुआ है, उस कवर की लिड को साइड से कट कर लेंगे प्रॉपरली और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से कट किया और फिट करेंगे एग्जैक्टली टॉप लेयर पे। और क्योंकि इसकी अंदर की जो कोटिंग है वो वैक्स कोटिंग है, तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन कवर करने से पहले हमें अपने सीड्स को अच्छे से मिस्टिंग कर लेना है, ताकि हमारा जो स्प्राउटिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो, और साथ ही साथ हमें इसे है ना कवर कर देना है लाइट वेट जो भी हमारे पास हो कंटेनर में। जैसे कि यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 200 ग्राम्स के लिए थोड़ा सा वेट लिया है इतना सा, ताकि अच्छे से मैं इसे कवर करके कम्प्लीटली
ढक दूँ ताकि अच्छे से स्प्राउटिंग हो सके। और स्प्राउटिंग होने में यहाँ पे 1 से 1.5 दिन का भी टाइम लग सकता है, समटाइम डिपेंड करता है 2 दिन का भी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ना डेली थोड़ी थोड़ी मिस्टिंग करते रहनी है, क्योंकि जब हम अच्छे से मिस्टिंग करेंगे तभी हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे, यानी कि कम्प्लीटली हमें इसे ड्राई नहीं रहने देना है। वी हैव टू मिस्ट आवर सीड्स रेगुलरली। माइक्रोग्रीन्स जितने हेल्दी होते हैं उतने ही ईजी होते हैं ग्रो करने के लिए। हमें हमेशा लगता है कि नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, कौन ऑब्जर्व करेगा, लेकिन इट इज़ वेरी ईजी टू ग्रो एंड इट टेस्ट वेरी हमी वेन दे आर ग्रोन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, वेन यू स्टार्ट ग्रोइंग योर ओन सीड्स, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ प्लेजर दैट हाँ, ये मैंने ग्रो किया है। और फिर आप उसे खाने का भी आपका मन करता है कि हाँ, मैंने ग्रो किया है तो ऑब्वियसली I must give it a try and make some yummy recipe out of it. तो अभी हमें दोनों को कवर करके अच्छे से रख देना है और थोड़ा सा लाइट वेट रखना है और हमें रखना है। देखिए, आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद हमारा अच्छे से इस तरह से स्प्राउटिंग हो गया है। और उसके बाद हमें इसे डोमिंग करनी है। डोमिंग का मतलब होता है कि हमें इसके ऊपर इस तरह से ऐसे कंटेनर रख देना है और क्रॉप को दूसरे उससे डोम करके रख देना है। और आप ये देख सकते हैं 4 डेज़ के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और अब हम इसे अनकवर कर सकते हैं और एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट। आपको डायरेक्ट हार्श सनलाइट में इसे नहीं रखना है, आपको इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, या फिर आप LED लाइट्स में या जो भी आपके पास लाइट्स घर पर अवेलेबल हैं उस तरह से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी ग्रोथ हो गई है। ये हमारा day 6 जो है, मैंने इसमें बॉटम वाटरिंग का ऑप्शन नहीं था, तो इस तरह से मैंने इन रूट्स को बहुत केयरफुली वाटर किया है। हमें अब इस स्टेज में मिस्टिंग नहीं करनी है क्योंकि लीव्स हमारी आ चुकी हैं, और अगर लीव्स हमारी ड्राई होंगी तभी हमें उसका वाटर लेवल चेक करते हुए पानी देना है। अब हमारी हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप्स तैयार हैं 7 डेज़ में, और हम इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं और हमें इसे अच्छे से स्टोर करना है। जब भी आपने देखा है मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, इसे बहुत ही क्लीन सीजर के साथ मैंने हार्वेस्ट किया है, और फिर इसे अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे और इसे उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। एक और चीज़, अगर हमारे पास ये नीचे जो कंपोस्ट बच जाता है सॉइल का, तो हमें इसे डिस्पोज कर देना है। यहाँ पे हमें इसे रीयूज़ नहीं करना है क्योंकि ये रीयूजेबल नहीं है। कुछ सीड्स होती हैं जो रीयूजेबल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे रेडिश और सनफ्लावर सीड्स हैं जो कि रीयूजेबल नहीं है। तो इसे हम अपने कोई भी जो नेक्स्ट प्लांट हम ग्रो करेंगे उसमें एज अ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि हम इस कंटेनर को भी रीयूज़ कर सकते हैं। ये कंटेनर खाली हो गया, आप चाहो तो दोबारा माइक्रोग्रीन्स लगा सकते हो, आप चाहो तो इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारी जो है रेडिश की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारे सनफ्लावर की हार्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं। तो देखिए, जब सनफ्लावर की हार्वेस्टिंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी इनकी जो है लीव्स आ चुकी हैं, और इसे इस तरह से हेल्दी हमने कट कर लेना है। और इसे कट करने के बाद हमें इस तरह से अच्छे से इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे हेल्दी माइक्रोग्रीन्स रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।